हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिक्स क्लास। आज हम आपके लिए लेके आए नया टॉपिक, और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ध्यान से आप सुनेंगे और देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका, वो है फाइंडिंग प्राइम एंड कंपोजिट नंबर फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक के नंबरों में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को कैसे फाइंड किया जाता है, ये हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। इसमें लिखा है, अ मेथड फॉर फाइंडिंग द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर फ्रॉम 1 to 100 वॉज फाउंड बाय द ग्रीक मैथमेटिशियन इराटोस्थेन्स। जो इराटोस्थेन्स नाम के जो ग्रीक मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने ये मेथड दिया था, जिसकी हेल्प से हम 1 to 100 तक के सभी जो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हैं, उनको हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ नंबर्स वन फ्रॉम 1 to 100, टेकिंग 10 नंबर्स इन ईच रो एस शोन इन बिलो। यहाँ पे लिखा है कि आपको एक टेबल तैयार करनी है, जिसमें 10 रोज और 10 कॉलम्स हो, 1 to 100 तक के सभी नंबर्स में फिल करने हैं, और वो आपको नीचे दी गई है। अब यहाँ तो आपको दिखाई नहीं दे रही है, अभी दूसरी स्लाइड में वो टेबल दिखाई दे रही है, मैं उसको फिर से दिखा के समझाऊंगा आपको। पहले स्टेप्स क्लियर कर लेते हैं। दूसरा स्टेप आपको दिया गया है, वी नो दैट वन इज नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट, सो वी सेपरेट इट आउट बाय फिल ग्रीन कलर। मैंने क्या किया, वन को ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, बिकॉज ऑफ वन ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। ओके, तो इसलिए मैंने वन को सेपरेटली ग्रीन कलर से शो किया है। थर्ड स्टेप कहता है, फिल द कलर ब्लू इन टू एज अ प्राइम नंबर। भाई यहाँ पे हमने टू को ब्लू कलर से फिल किया हुआ है, क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है, और टू के मल्टीपल, और यहाँ पे लिखा फिल रेड कलर टू एवरी मल्टीपल ऑफ टू। टू के जितने भी मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स का मतलब होता है जो टू की टेबल में आते हैं या जो टू से डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे नंबरों को हमने रेड कलर से फिल किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है आपका, फिल द कलर ब्लू इन थ्री। हमने यहाँ पे सेम, थ्री भी एक हमारा प्राइम नंबर है, तो इसको हमने किस कलर से लिया है, ब्लू कलर से फिल किया है। बाकी के थ्री के मल्टीपल, जितने भी थ्री के मल्टीपल हैं, उन सबको हमने किससे किया हुआ है, रेड कलर से किया हुआ। और यहाँ पे आगे लिखा है, वी नीड नॉट मार्क द नंबर्स विच हैव ऑलरेडी बीन क्रॉस आउट। जो ऑलरेडी कलर्ड कर दिए गए हैं, उनको हम क्या करेंगे, ठीक है, दोबारा से कलर नहीं करेंगे। जो ऑलरेडी फिल्ड है, उनको दोबारा से कलर नहीं करना है। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 5, फिल द कलर ब्लू इन 5। देखिए 5 भी हमारा प्राइम नंबर, तो उसको भी हमने ब्लू कलर से किया, एंड फिल रेड कलर टू एवरी मल्टीपल ऑफ 5। 5 के सभी मल्टीपल जो भी 5 से डिवाइड हो सकते हैं, 5 की टेबल में आते हैं, उन सबको हमने क्या किया, रेड कलर से फिल किया। और यहाँ पे दोबारा से वही लिखा है, वी नीड नॉट मार्क द नंबर्स विच हैव ऑलरेडी बीन कलर्ड। जो हमने ऑल पहले से कलर्ड कर रखे हैं, उनको हम दोबारा से कलर करने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 6 है आपका, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द नंबर्स अप टू 100 आर आइदर फिल द कलर ब्लू और फिल रेड कलर वगैरह। इस प्रोसेस को हमने कंटिन्यू करते जाना है, जब तक कि सभी नंबर्स हमारे कलर नहीं हो जाते, चाहे वो ब्लू कलर हो चाहे वो रेड कलर हो। तो हम आगे चलते हैं, अब टेबल को देखते हैं, टेबल को ऑब्जर्व करके दिखाएंगे, बताएंगे आपको। ये हमारी टेबल है पूरी, आप देख सकते हैं। स्टेप वाइज मैंने सारे कंप्लीट किए हुए हैं, कलर्ड भी किए हुए हैं, आपको ब्लू कलर और रेड कलर भी दिखाई दे रहा है, और साथ में एक ग्रीन कलर का वन दिखाई दे रहा है। पहला स्टेप यही था कि वन जो है वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो वो कैसे कलर में होना चाहिए था, ग्रीन कलर में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जितने भी ब्लू कलर वाले हैं, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे आपके क्या है बता सकते हैं, वो सारे के सारे आपके प्राइम नंबर हैं। और जो रेड कलर में मार्क है, वो सारे के सारे आपके क्या है, वो आपके कंपोजिट नंबर है। दूसरा जो आपका नेक्स्ट स्टेप था, वो ये था कि टू को हमें ब्लू कलर से करना था, तो ब्लू से कर रखा है, और टू की टेबल में जितने भी नंबर आते थे, उन सबको रेड से करना था। अब देखो टू की टेबल में कौन कौन से नंबर आते थे, 4 आता था, 6 आता था, 8 आता था, 10 आता था, 12, 14, 16, ये सारे नंबर लाई करते थे, और इन सबको मैंने रेड से किया है। सेम एज भी यहाँ पे 3 को भी आप देख सकते हैं, अगला स्टेप था 3 को हम ब्लू कलर से करेंगे, और 3 की टेबल में आने वाले सभी नंबर्स को रेड से करेंगे। तो देखो 3 हमने रेड से ब्लू से किया। 3 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते थे, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है, 27 है, चेक कर सकते हैं, सभी की सभी रेड कलर से हैं। उसके बाद हमारा था 5। 5 हमारा जो प्राइम नंबर था, इसलिए ब्लू कलर से है, और 5 की टेबल में आने वाले जितने भी नंबर सारे के सारे रेड में देख सकते हैं आप,
टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी ऑल आर इन रेड कलर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये टेबल प्रिपेयर करी है पूरी, और इस तरीके से हमारी टेबल कंप्लीट होने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे इसमें प्राइम नंबर्स फाइंड हो गए हैं। और प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं इसमें हमें जो मिले हैं, वो हैं देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 31, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये सारे के सारे नंबर्स हमें प्राइम नंबर्स मिलते हैं 1 to 100 में। बाकी के जो रिमेनिंग है वो सारे के सारे आपके कंपोजिट हैं। और वन क्या है आपका, वन आपका कौन सा नंबर है, वन ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, वन को हम यूनिट नंबर कहते हैं। ओके, उसके बाद हम अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स कैसे कहते हैं, डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे। पहले यहाँ पे लिखा है टू कॉन्जुगेटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज ट्विन प्राइम। दो कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार आने वाले ऑड प्राइम, जो लगातार हों और ऑड भी हों, ऐसे नंबर्स के पेयर को ट्विन प्राइम्स कहते हैं। लेट्स से सम एग्जांपल, पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 to 100 आर। 1 से 100 के बीच में कौन कौन से ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31 एंड सो ऑन। बहुत और भी हैं, ठीक है, ये नहीं है, इनके अलावा भी और भी होते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए दिए हैं ट्विन प्राइम्स के, जो कॉन्जुगेटिव है मतलब लगातार आते हैं और ऑड है। उसके बाद हमने बात करी प्राइम ट्रिपलेट की। प्राइम ट्रिपलेट क्या होते हैं पढ़ लीजिए पहले। अ सेट ऑफ थ्री कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स, थ्री कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स, तीन कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स, ठीक है, डिफरिंग बाय टू, जिनके बीच में दो दो का गैप हो, ऐसे तीन कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर जिनके बीच में टू टू का गैप हो, उनको हम प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं। कौन से हैं एग्जांपल देखेंगे, द ओनली प्राइम ट्रिपलेट ए, सिर्फ एक ही प्राइम ट्रिपलेट है, वो है 3, 5, 7, इसके अलावा और कोई है ही नहीं, सिर्फ यही एक प्राइम ट्रिपलेट होता है 1 to 100 के बीच में, 3, 5, 7, जिनके पीछे 2, 2 का गैप है और लगातार आने वाले थ्री कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स है। ओके, अगला जो आपका पॉइंट है वो है को प्राइम्स। को प्राइम्स किसे कहते हैं, टू नंबर्स आर सेट टू बी अ को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन वगैरह। ऐसे दो प्राइम नंबर्स या ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में सिर्फ वन ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर हो, बाकी कोई फैक्टर हो ही नहीं, ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम्स कहते हैं। एग्जांपल 2, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 9, 8, 15, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के हम नंबर्स को हम को प्राइम्स कह सकते हैं, जो ऐसे नंबर जिनके बीच में सिर्फ वन ही एक कॉमन फैक्टर हो, बाकी कुछ हो ही नहीं फिर कॉमन फैक्टर। ओके, यहाँ पे कुछ रिमार्क्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रिमार्क्स हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे एक एक करके। पहला रिमार्क है टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। कोई भी दो प्राइम नंबर्स हमेशा को प्राइम्स होते हैं, क्योंकि दो को प्राइम नंबर्स के बीच में सिर्फ वन एक ऐसे ही कॉमन फैक्टर होता है, और वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। दूसरा रिमार्क है टू को प्राइम नीड नॉट बी अ प्राइम नंबर। टू को प्राइम मतलब को प्राइम नंबर्स के लिए जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हों, कोई अदर नंबर भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख भी सकते हैं ऊपर, 3 और 4, 3 तो प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नहीं है। सेम ऐसे 4, 5, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम। तो इसमें जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर्स का ही प्राइम नंबर ही को प्राइम हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। ओके, ये आपके दो रिमार्क हैं। उसके बाद आते हैं परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ द नंबर इज 2 times द नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड अ फैक्ट परफेक्ट फैक्टर। ध्यान सुनिएगा, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, भाई परफेक्ट नंबर से कहते हैं, अगर हम किसी भी नंबर के फैक्टर निकालें, उस फैक्टर के सभी नंबर्स फैक्टर्स का सम 2 times द नंबर, उस नंबर के 2 times के बराबर आ जाए, परफेक्ट नंबर। अगर किसी भी नंबर के जितने फैक्टर्स हम निकालें, उन सभी फैक्टर्स को अगर हम ऐड करें, तो वो ऐड जो है वो 2 times ऑफ नंबर के बराबर आ जाए, उस नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे मैंने 6 इज अ परफेक्ट नंबर, मैंने 6 लिया है, 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं,
1, 2, 3 एंड 6, तीन अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो टोटल आ जाएगा हमारा 12, और 12 का मतलब 2 × 6 मतलब जिस नंबर की बात कर रहे हैं उसी नंबर के ट्वाइस के बराबर हो गया, तो इसलिए 6 एक परफेक्ट नंबर है। ओके, बहुत अच्छे से समझना बेटा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो उस फैक्टर को जोड़ें, सम करें, तो उन फैक्टर्स के सम को जोड़ने के बाद जो आंसर आए वो आंसर 2 टाइम्स ऑफ नंबर के बराबर हो, 2 टाइम्स ऑफ दैट नंबर। ओके, दिस इज अ परफेक्ट नंबर। तो ये आज के टॉपिक थे, आपका जो होमवर्क है वो है राइट एंड लर्न ऑल डेफिनेशन इन योर फेयर नोटबुक। आपको जितनी भी डेफिनेशंस दी गई हैं, बताई गई हैं, इन सभी डेफिनेशंस को आपको अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।